और आज चलाएंगे हम लंबरगिनी इसकी बहन की। आज बड़ा मन मेरा शायराना शायराना हो रहा व्लॉग में भाई 6000 लाइक हो जाते हैं भाई। 5 मिनट हो गए हैं, खाना क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। कौन जी क्या हलचल आप सभी के, मैं आपका भाई पठान दोबारा गया और बहुत बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तो आज हम जा रहे हैं अमीरे वाली जिंदगी जीने। आपको यहाँ से हिंट हो गया होगा, हिंट भी नहीं होगा तो आप थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे। और आज हम मोटो ब्लॉगिंग भी करने वाले हैं। जी हाँ, आज हमने पूरा सेटअप बिठा लिया है। बस ये भाई साहब आवाज़ सही आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, बाकी जब अब बैठ के निकलेंगे। अभी मैंने चेक कर लिया है, टेस्ट कर चुका हूँ, आवाज़ सही आ रही है। आगे जाके आवाज़ बिगड़ जाए या कुछ हो तो भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा। तो आइए चलते हैं, तैयार हो चुके हैं हम, अब मिलते हैं बाइक पर बैठ के। तो जी ये है हमारा सेटअप। अब मेरे को पता नहीं दिख कैसा रहा होगा आपको इस टाइम पर, भाई मैंने बहुत कोशिश करी, सब कुछ कर लिया है। अब जब एडिट करने बैठूंगा भाई जब ही पता चलेगा। मौसम बढ़िया हो रहा है, बस बारिश ना हो जाए। एक तो भाई पता नहीं आपके साथ होता है या नहीं होता, अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है मेरी आंखें ना कुछ ग्लिच हो गया है, ब्लर हो रही हैं। एक तो भाई जब से हमारी रोड बनी है ना, मेरे से ज़्यादा मुझे लगता नहीं है इस रोड पर कोई खुश होगा। पहले इतने गड्ढे, इतनी धूल मिट्टी, भाई ये ब्लर वाली दिक्कत हो रही है भाई ज़्यादा। क्या करूँ, वापस मोड़ लूँ क्या? गर्दन में भी दर्द हो रहा है कुछ, क्या अचानक से हुआ भाई, बिल्कुल अचानक से हुआ है ये सीन। सही शब्द पता चल गया मेरे को कि मेरे के साथ इस टाइम क्या हो रहा है। कैमरा होता है ना DSLR, वो फोकस नहीं कर पाता है, वैसा ही इस टाइम मेरी आंखों के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है अब ये नहीं पता भैया, आपको अगर पता आपके साथ होता है तो कमेंट में बताना। कोई ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक कर देना और मेरे को बताना ज़रूर अगर आप और भी ऐसे चाहते हो कि मोटो ब्लॉगिंग करूँ। आपको वक्चौदी पसंद आ रही है, मेरी नहीं आ रही। तो और एक तो यार ये हेलमेट इतना भारी है ना भाई, मैं मतलब मेरे पास भी हेलमेट है पर ये मैंने अपने दोस्त से लिया है पूरा सेटअप, तो वो भी बहुत भारी है, मैं लगाता नहीं हूँ। मतलब कभी लंबी राइड पे गया तो जब लगा लिया, वरना इधर उधर जाने के लिए तो अपना एक जुगाड़ू हेलमेट है वही लगा लेता हूँ। बहुत भारी है यार ये, सांस तक नहीं आती है ये। मानो अब जब हेलमेट हटाऊँगा ना मुँह चपटा हो जाएगा। अभी तो थोड़ा सा रास्ता याद है, जहाँ से याद नहीं है क्योंकि बहुत दिन बाद जा रहा हूँ यार मैं। और आज चलाएंगे हम लंबरगिनी इसकी बहन की टैट। खानदान का पहला लौंडा हूँ मैं जो लंबरगिनी चलाऊंगा। और यार पहली बात तो ये है कि भाई सोचा तो है कि चलाऊंगा पर वो गाड़ी नहीं है, पड़ी डंडी है। अब जाते जाते भाई मतलब ये मानो ना यार, दूसरे की चीज़ें महंगी चीज़ें साली, स्क्रैच पिस्क्रैच भी लग गया भैया गलती से, वैसे लगेगा नहीं, एक डर है। पर अपने दिल टूटे आशिकों भाइयों के लिए ठीक है जी। तो क्या थी यार, साली भूल गया, एक मिनट रुको। हाँ ये है जिन्हें नींद नहीं आती उनसे पूछो कितना जमाना लगता है सुबह होने में, ऐसी कुछ थी। मतलब अभी दोबारा देखता हूँ यार। एक तो भाई इस रोड पे दावड़ी वाले इलाके में जो आसपास रहते हैं पता होगा, कभी भी आ जाओ साला जाम ही मिलता है। पता नहीं क्या ऐसी वो है यहाँ पर, कभी भी रात को आओ तो अलग बात है, वरना तुम ऑफिस टाइम आओ 12 बजे आओ 1 बजे आओ जाम ही जाम। आज बड़ा मन मेरा शायराना शायराना हो रहा है यार, पर शायरी ना आधी अधूरी आ रही है, वरना मैं तुम्हारा वो बनवा देता इस टाइम माहौल। कोई पूरी शायरी याद सी नहीं आ रही, आ रही ये शायरी तो याद आ रही है पर आधी अधूरी आ रही है। इस हेलमेट से ऐसा भपका हो चुका है ना मेरे सर में, क्या बताऊं। तो अभी मैं जब सोच रहा था कि भैया मैं इतनी बवाल गर्मी में गाड़ी से क्यों नहीं आया, फिर मुझे याद आया कि भाई वापस जाते जाते ना यार हमें हो जाएगा ऑफिस टाइम, और जिम भी जाना है। कोशिश तो पूरी है कि हम जिम जाएँ, तो ऑफिस टाइम में गाड़ी में हम बहुत ज़्यादा बुरी तरह फंस जाते हैं। बाइक तो है फिर भी हम साफ वाफ बना के निकाल लेंगे, इसलिए हम भरी गर्मी में ये एहजा सा लगा कर चल रहे हैं। और अभी तो सारी मेहनत जब पता चलेगी बर्बाद हो रही है, मेहनत सफल हो रही है जब चेक करेंगे एडिटिंग में कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रहा हूँ, साइड वाले भी देख रहे हैं। आवाज़ आ रही है भैया? बाहर तो नहीं जा रही खैर आवाज़, बस आप तक आ जाए क्रिस्टल क्लियर, और क्या चाहिए। तो जी रेड लाइट थी, हमने अपना पूरा फ़ायदा उठाया रेड लाइट का। और अब शायरी सुनो आप। तो शायरी ऐसी है, जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें ही पता है
सुबह होने में कितना जमाना लगता है, ओए होए 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 होए, चीर दिए ना दिल। ऐसे भाई हम जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें ही पता है सुबह होने में कितना जमाना लगता है। वाह, सो डीप गाइस, सो डीप। ये आगे जाके ना एक भारती कॉलेज लग जाता है, गर्ल्स का कॉलेज है। यहाँ पर मेरी दोस्त थी, वो थी वहाँ की प्रेसिडेंट, जब गए थे हम 2-3 बार। इतनी लड़कियाँ एक साथ देख के भैया हम तो बावले ही हो गए थे उस टाइम में, कॉलेज टाइम पे। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये कौन सी दुनिया है। आगे ना अब एक जगह आएगी, मतलब वो था ना भाईचारा वाला सीन, यहाँ पर वो भाईचारा वाला सीन। अरे मेरे भाई ऐसे आगे पीछे मत आओ, फुल वो कर रखा है, मतलब बस एक मस्जिद की कमी है, पूरा वो जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई, वो जो है कहावत लाइन। यहाँ पर भाई चर्च भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, बस एक मस्जिद नहीं है। ये आप देख रहे हो अपने राइट में, ये चर्च, ये शायद गुरुद्वारा, आगे ये है या मंदिर है, ये रहा, बस एक मस्जिद की कमी है। अरे भैया रेड लाइट, तो जी हम पहुंच गए हैं और GoPro भाई बीच में बंद हो गया, मैं रास्ता भी भूल गया था। अब GoPro क्यों बंद हुआ है तो घर जाके ही पता चलेगा। और शक्ल आप देख रहे होंगे ना, ये हेलमेट की वजह से चपटी हो गई है। क्या कह रहे हो, चपटी ही है पहले से ही? अरे नहीं यार ऐसे मत बोलो। हाँ भाई क्या हाल है? ओ भैया, अरे बढ़िया भैया, आप कैसे हो? इसमें क्या चिपिक चिपिक कर रहा भैया, चिपिक चिपिक? ये एक अलग प्राणी है, इनसे अनस भैया गलत काम मत कर रहे हो, कह रहे हैं इन पे कुछ चिपक चिपक सा रहा है यार, आप ऐसे भाई चलाते हो ना, इनकी उम्र बचा लेती है कई बार। अगर उम्र का लिहाज भूल जाओ ना मैं तुम्हारी उम्र का उम्र बचा लेती है बार बार। ये वीडियो बड़े शरीफ लगते हैं, रियलिटी बताओ क्या बात है। वैसे भी शरीफ, चार बातें करने के बाद कूट दो गया। शरीफ सिर्फ शक्ल है, अब तो शक्ल भी शरीफ नहीं लग रही, शक्ल से ही हरामी लग रहे हो तुम इस टाइम। तो जी ये है कुछ कार करेक्शन, रिच बॉय चेक लाइफ। आज हम अमीरों वाली जिंदगी जीने आए हैं यहाँ पर। ये वाली कौन सी, X6? ये है, ये तो रॉकेट है, ये पता नहीं, नहीं भाई, ये और ये चीता हमारा। अच्छा ये इससे भी भाई, ये फास्टेस्ट कार ऑफ इंडिया है विद 12 ट्रॉफीज। सर बता, विद 12 ट्रॉफीज। मुझे तो ये लग रही थी, कुछ भी नहीं है, ये है भाई मेन चीज, जब ये उड़ती ये है। अरे मेरे दिमाग में तो एक आपके भी दिमाग में बना हुआ कि लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी, ये कौन सी है, ऑडी की S6, इसे 10 कहा जाए इंडिया में, और ये 800 bhp है भी। भाई आपके दिमाग में देखो एक ऐसी इमेज बनी होगी कि वो लैम्बोर्गिनी वो रॉकेट, वो है 600 bhp भाई, ये मेरे समझ नहीं आता। अच्छा। बस मतलब ये है उससे खतरनाक, ये कहना चाह रहा है। अच्छा ये मेरी मतलब इसकी जो पावर है उसकी पावर सेम है, लैम्बो की पावर इसकी उसकी सेम है, इससे ज्यादा इसमें पावर है, इसमें है। मेरा दिमाग हजम नहीं कर पा रहा है, अगली बात करना पड़ेगा, हैं करना पड़ेगा। यार तुम तो चीते आदमी हो, क्या क्या प्लान है आज भाई? ये प्लान है कि पहले आप, कोई प्लान नहीं है, सच बता, सच बताता हूँ कोई प्लान नहीं है, अब देखते हैं क्या होता है। तो मैंने बोला है ना अग्रेस भैया कहाँ चलना है, कहते देखते हैं, देखते ही हैं कनॉट प्लेस चलने, कहते वहाँ पे क्या करना होगा, कुछ नहीं है, घूमने चल लेंगे। प्लान कुछ नहीं होता है हमारा, और अब तो हम जल्दी जल्दी मिल चुके हैं, अब तो एक साल वाला रूल नहीं रहा है, नहीं अभी नहीं रहा वो, एक साल वाला रूल नहीं रहा है, अब तो हम मिलते रहते हैं, मतलब अभी बहुत टाइम बाद मिले हैं, ईद वीद में तो हम आजकल बात भी बहुत ज्यादा हो रही कॉल पे। हाँ वो बना हुआ हूँ मैं, चलो वो छोड़ो क्या बना हुआ वीडियो। तो भाई देख बात ऐसी है, आज जो मेरी वीडियो है और उसका टाइटल है वो है कि मुझे लैम्बोर्गिनी चलानी है, और मैं खानदान का पहला लौंडा हूँ जो ये लैम्बोर्गिनी चलाऊंगा, तो भाई मैं चला सकता हूँ? वो भी, अरे यार बहुत बढ़िया, सारी लाओ। ये जी खुल चुकी है, दिखाओ अंदर इंटीरियर बढ़िया। अरे भाई डाउन टू अर्थ हो चुका हूँ मैं एकदम, नहीं चल पाई भाई। क्यों भाई, कुछ दिख नहीं रही, रोड ही नहीं दिख रही आगे की। अब देखो उधर पॉइंट ऑफ व्यू, अंकुश अंकल जी का पेट दिख रहा है यहाँ से, कुछ नहीं भाई नहीं हो पाएगी। क्यों, ऑन तो करो, ब्रेक दबाओ, चाबी डालो। हाँ चाबी घुमा दो, घुमाओ घुमाओ घुमाओ। तो भाई मैं सच में सोच के आया था कि
मैं चलाऊंगा, पर भाई कुछ आगे का आइडिया ही नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में तुझे भी दिक्कत आई होगी ना? नहीं नहीं भाई, इसमें आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा, चलाऊंगा कैसे? और ये गाड़ी इसके लिए है, ये मेरे हम जैसे लोगों के लिए है पड़ी डंडी। भाई सच में नहीं दिख रहा यार, देखो मैं दिखाता हूँ, अपना पीओ भी दिखाता हूँ। ये मैं बैठा हूँ और ये मेरी आंखों से आपको क्या दिख रहा है कि कुछ नहीं दिख रहा? कैसे चलाएगा नया बंदा ये गाड़ी? नहीं हो पाएगा भाई सच में। अरमान ना सारे चूर चूर हो चुके हैं। अबे यार चलाते कैसे हैं इसको? भाई चल जाती है तो चलानी पड़ती है बस। मैं घर से भाई इतनी बड़ी बड़ी सपने देख के ऐसा लैम्बोर्गिनी चलाऊंगा आज, स्नैप बनाऊंगा, नहीं हो पा रहा भाई। और लड़कियां सेट करूंगा। अरे नहीं ना, ये नहीं होगा भाई। मैं तो बहुत सपने बड़ी बड़ी बातें करके आया था, आज लैम्बोर्गिनी चलाऊंगा, कहां से चलाऊं, दिख नहीं रहा कुछ, कद्दू चलेगी लैम्बोर्गिनी? अबे भाई भाई मुझे पता है, सच में बता रहा हूँ, मुझे डर था कि तू बोलेगा भाई नहीं भैया महंगी गाड़ी हम नहीं चलेगी। अब इसने भाई चाबी दे दी और मैं बैठ के, मैंने कहा वो चाबी मिल गई, मैं बैठ के देख रहा हूँ चलेगी कहाँ से ये। तो ये तो आप कैंसिल हो गया, आप क्या करना है अब भैया? कहीं चलते हैं घूम घाम के आते हैं। आपका जरा स्नैपचैट एक्सपोज करते हैं आज। स्नैपचैट एक्सपोज कर लो भाई, कुछ भी नहीं है यार। अच्छा कुछ भी नहीं है, कर लो, लो पासवर्ड भी बता देता हूँ, जो करना है कर लो। दिल दुख गया पर मेरा यार, ये चला नहीं पा रहा मैं। बाकी भाई मैंने भी पहली बार देखा, जिन्होंने नहीं देखा उन देख लो। रुको फ्लैश जला देता हूँ भाई, कुछ ऐसी दिखती है याली। इसके व्लॉग व्लॉग में तो आपने देख लिया होगा, ये पूरा ये वैसा जेट वाली फीलिंग आ रही है इससे तो बिल्कुल ही। ये देखिए इसके सारे स्पोर्ट मोड्स हैं ये। हाँ ये तो तूने बताया था, ये सबसे खतरनाक वाला है। हाँ जी सही है। तो भाई पीछे कुछ नहीं है, यही है। और भाई चलाते कैसे हैं लोग, आदत हो जाती है, आदत वाली बात है। मैंने भाई नए बंदे से देखो जमीन ही ना दिखे तो कहाँ से कद्दू चला ले, और अपनी हो तो एक बार मैं कुछ कर भी लूँ, पड़ी डंडी ले भी लूँ, पर क्या जवाब दूंगा मैं? ये मालिक, अगर इसका ये कहीं मेरे से अगर मैं चलाई कभी भाई, फ्रंट बम्पर की कॉस्ट 18 लाख रुपए है। चल भाई अच्छा लगा मिल के, मैं जा रहा हूँ घर। ओके भाई 18 लाख रुपए सुनना हो, फ्रंट बम्पर कह रहा हूँ मैं, आगे का बम्पर से चलानी ही नहीं है, इतनी पड़ी डंडी लेनी ही नहीं है। पर तुम्हें भी अजीब सा लगा होगा ना, रोड तो दिख नहीं रही। नहीं भैया वो तो रोज गाड़ी वैसी ठोकते हैं, नॉर्मल गाड़ी है। नहीं मतलब एक बार मैं अपने बताऊं तो, नहीं मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, तुम्हें भी लगा था ऐसा कि भाई आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा? नहीं दिख रहा था, मैं ही ज्यादा गरीब हूँ शायद, मुझे अपनी गाड़ी की आदत है यार, कोई और चलवा लो, इसमें तो कोई सिस्टम ही नहीं बैठ रहा, दिख ही नहीं रहा आगे का। तो जी अब ये है क्या है बता भाई? ऑडी। अरे ऑडी कौन सी? S6। ठीक है जी ये देखते हैं भाई, ये मुझे ऑडी तो चलाई हुई यार है, बाकी ये देखते हैं अंदर से क्या है मैटर। हाँ ये भी तो लग रहा है कुछ गाड़ी, पर इसका भी थोड़ा आगे ज्यादा, पर ये उससे तो बहुत सही है, उसमें तो भाई कुछ दिख नहीं रहा था। इसका क्या है? S6। हाँ। S6 देख लो गाइस ऐसे दिखती है कुछ। स्टीयरिंग व्हील देखो, स्टीयरिंग व्हील तो दिखा दिए, फाइबर का कार्बन फाइबर जी, पूरा कार्बन फाइबर है कार के अंदर भी। ये तो चला सकते हैं अगर इस व्लॉग में भाई 6000 लाइक हो जाते हैं तो। भाई अगर देख तेरे सामने कह रहा हूं, अगर 6000 लाइक हो जाते हैं तो ये वाली गाड़ी में चलाने आऊंगा। वो तो नहीं हो पाएगा, उस पर तो काटी मार दी। अगर आपको 6000 से बहुत ज्यादा मतलब है, 6000 लकी नंबर है मेरा 6000। तो अगर 6000 भाई हो जाते हैं, अगर चाहते हो ये चलाऊं तो फिर तो ये भी मना नहीं कर पाएगा, याली चलाएंगे। तो अभी मना नहीं कर रहा, इस पे तो काटी भाई मैं नहीं चला पाऊंगा यार। ये जैसे ये बैठ के लगा कि हाँ भाई ओके, ये नहीं हो पाएगा ओके पोके। 18 लाख का बम्पर उखड़ गया साला, कहाँ से दूंगा जमीन दादा पर, दादा जमीन भी नहीं छोड़ गया जो बेच के दे दूं। चलो जी कहीं घूम घाम के आते हैं फिर। तो जी पहले तो यही था कि कहीं नहीं जाते कहीं नहीं जाते, क्योंकि भाई ऑफिस टाइम हो रहा है 5, बहुत देर तक यही होता रहा कि आसपास कहीं घूम लेते हैं, पर भाई इस लौंडे में बहुत चूल है। ठीक है, और 2 लोग यहाँ पर जा रहे हैं और 1 लोग यहाँ पर, तो भाई गुड नाइट ट्रैवलिंग, फुल ट्रैवलिंग वाइब चल रही है पीछे। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी हमें खुद नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, सच तो बताओ। आपने तो कहा था कनॉट प्लेस जा रहे हैं। मैंने तो कहा कि डेट है किसी के साथ में। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डेट पे तो अकेला जाऊंगा ना, तुझे भी लेके जाऊंगा। अभी जो वहाँ पे ड्रॉप कर रही है मेरे को। अच्छा 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 ठीक है, बहुत तेज हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है और तेज भी होता जा रहा है, जाम में फंसेंगे अब। आज जिम पर जिम तो जाऊंगा यार, लेट जाऊंगा पर जिम जाऊंगा। तो अभी सच में नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, जहाँ भी जाएंगे वो बताएंगे। और दोबारा बता रहा हूँ इस वीडियो पे, इस व्लॉग पे अगर 6000 लाइक हो जाते हैं, 6000 स्क्रीनशॉट भेज दूँ तेरे को, 6000 लाइक। अच्छा लाइक तेरे को स्क्रीनशॉट भेज दूँ। और इस टाइम तो अभी ये अली रोड पर है हम,
ये जो लोधी पोधी आते ना ये वाली ढोलक वो क्या अरे नहीं वो नहीं बताना है सब अरे मैं बता देता हूँ भाई यहाँ पर खड़ी होती है लड़कियाँ रात को ठीक है लोंडे अगर रात को घूम रहे हो आ जाना पर वो ओयो नहीं जाएंगी तुम्हारे साथ वो कहेंगी जाना है तो लोधी चलो बेबी कहाँ लेके जा रहे हो भाई सच्ची बात है मैं इसमें क्या छुपाने वाली बात है दिल्ली वाले लोंडे को सबको पता है बस अब मेरे पापा भी देखेंगे ये व्लॉग तो पर ये तो मैंने सोचा ही नहीं खान मार्केट आए जी पहली बार और मेरा ये आखिरी बार बहुत जाम है यार देख तो लो चलने की जगह नहीं है गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं मैं तो पहली बार आया हूँ और ये आखिरी बार भाई एक तो इतनी महंगी जगह आके ना ये अली बकचोदी अलग लगती है वेट करो वेटिंग चल रही है क्यों भाई क्यों करे वेट पैसे हमें देनी है सब हमें देना है वेट कर रहे हैं देखो भाई क्या बवाल है कुछ समझ ही नहीं आ रहा कुछ समझ नहीं आ रहा भाई इटालियन स्मूच अरे ये ट्राई कर हनीमून अरे भाई ये क्या है ये कहाँ लिया है मेरे को भाई 5 मिनट हो गए खाना क्या है ये समझ नहीं आ रहा है तू तो आता रहता है तू तो देख ले भाई मैं नॉन वेज नहीं खाता बिल्कुल भी वेज भी होगा इसमें तो वेज भाई बहुत कुछ है मैं आता था यहाँ पे एक टाइम 5 मिनट हो गए गिन के मैं आता था अपने को इग्नोर मार दिया हैं अब मैं आगे क्या पूछूं आगे तू बताएगा नहीं कहाँ आता था क्यों आता था मेरी मर्जी आता था बहुत बहुत फालतू का जवाब था पर मेन बात ये खाने को क्या मंगाऊं समझ नहीं आ रहा भाई इसलिए नहीं आता हूँ महंगी जगह मेन्यू देख के ना कुछ पैसे ना वो ट्रेमर अंदर से हनीमून हनीमून भी है यहाँ पर हनीमून भी दे रहे हैं लड़की प्रोवाइड करा रहे हैं आपको कांग्या अभी ये कह रहा था यहाँ आके इंग्लिश बोलनी जरूरी होती है ऑर्डर इंग्लिश में दिया है इसने क्या बोलेगा अब बोलना मैं तो कहता मैडम एक बात बताओ अब देखो अब मैं बताता हूँ कैसे बोलते हैं भाई माँ की कसम मैं तो कुछ और सोचा था ये क्या आ गया सैंडविच है भाई अबे सैंडविच तो लिखा ही नहीं था उसमें लिखा था पनीनी पनीनी क्या होता है सैंडविच अरे ये क्या आ गया यार ये मैं सोचा पूरा पीस आएगा ब्रेड टो का ये जहर खाना पड़ेगा अब धोखा हो गया बहुत गंदा धोखा हुआ भाई भाई ये जो भी बवाल आया था खा लिया अच्छा था पर जो मैंने सोचा था वो नहीं आया था तो जी घूम घूम के हम घर आ चुके हैं और अब अभी इसके घर पे आए हैं और अब मुझे अपने घर जाना है यहाँ से भी मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा तो भाई मिलते हैं यस भाई जल्दी अब करेंगे कि वो प्रैंक हाँ प्रैंक वो तू करेगा मैं करूँगा मैं सोच रहा हूँ बहुत दिन से कुछ आ नहीं रहा जैसे ही आएगा ना रुला देंगे इसको तो जी घर निकलते हैं अंकल आंटी को नमस्ते बोलना इस बहाने भाई खान मार्केट घूम लिया कुछ हुआ ना केक ले आया भाई ये अभी हाँ ये अभी केक लेके आया अब आगे कह रहा कि मैं केक तो ले आया पर इसका करूंगा क्या मैंने कहा आंटी के तो लाएगा था आंटी तो है नहीं घर पे मैं ले जाऊं क्या मैं खा लूंगा हां ले जाओ ले जाओ मेरे को दे दो ला भाई ला चलो चलो मैं सच में लेके जा रहा हूं कहीं तू मजाक समझ रहा हो ये रहा भाई ये रहा केक मैं सच में लेके जा रहा हूं ठीक है कहीं मजाक समझ रहा हो मैं बेशरम हूं बहुत बड़ा भाई वैसे मुझे पता है मजाक नहीं करते बिकॉज़ मेरे को पता है अरे तो जी भैया हम घर आ गए हैं और जैसे हमने स्टार्टिंग के ब्लॉग में बोला था कि भाई ऑफिस टाइम में हम पहुंचेंगे मतलब बाइक से भी भाई हमें 1.5 घंटा लगा और बहुत बुरा हाल हो गया अब आ गए हैं नहा धो लिया है अब है सोने का टाइम और ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही और ब्लॉग चाहते हो तो भाई लाइक कर देना उससे मेरे को पता चल जाएगा कि आप ऐसे ब्लॉग और चाहते हो और 6000 लाइक हो जाते हैं तो आपको पता है क्या होने वाला है जब तक के लिए टेक केयर लव यू बाय